कल हमने ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है उसके बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ टेलीफोन, इंटरनेट, डाटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड और समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं। डाटा स्पीड ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो 1 GPS तक की होती है। अब हम बात करेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा किस लॉ पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जिसे हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट समझ लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिलिका, प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है। इसके अंदर कई छोटे और पतले तारों के गुच्छे होते हैं, जिसके द्वारा ही हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। और हर एक फाइबर का डायमीटर हमारे बालों की थिकनेस के इक्वल होता है। हमारे इंटरनेट के पीछे की हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से होती है। किसी भी नेटवर्क की बैकबोन ही ऑप्टिकल फाइबर है। आइए अब बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट को ऑप्टिकल फाइबर में इस तरीके से डाला जाता है कि वो लाइट कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होते हुए ट्रांसफर होते रहे और रिसीविंग तक बिना किसी लॉस के लगभग सेम इंटेंसिटी के साथ आपको सिग्नल देते रहे। ज़्यादा डिस्टेंस होने पर अक्सर सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, जिसे सिग्नल एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई कर दिया जाता है। आइए हम ऑप्टिकल फाइबर के फिगर को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स में बहुत सारी लेयर होती हैं, जिसमें सबसे अंदर के पार्ट में जहां डेटा का फ्लो होता है, जो कि ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक का बना होता है, उसे हम कोर कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के 3 मेन कंपोनेंट यही हैं, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। जैसा कि आपको कोर पहले बता दिया गया है कि जो अंदर की तरफ उसकी जो लेयर होती है जिसमें डाटा का फ्लो होता है, उसे हम कोर कहते हैं। और क्लैडिंग हम उसे कहते हैं अपर पार्ट को। क्लैडिंग को हम मिडिल पार्ट भी कह सकते हैं। ये भी सिलिका का बना होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक की प्लेट का कवर होता है। इसका काम होता है कि कोर पर कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि लाइट वेव आसानी से फाइबर्स में पास हो सके। थर्ड कंपोनेंट है कोटिंग, जिसे बफर भी कहा जाता है, और आउटर लेयर भी। ये प्लास्टिक की लेयर होती है जो कि फाइबर को मजबूती, स्ट्रेंथ देने के काम आती है। अब हम बात करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स का क्या यूज़ है और उसके क्या लॉस हैं। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा यूज़ ये है कि आज हमारा डाटा ट्रांसमिशन बड़ी ही ईजीली यहाँ से वहाँ हो जाता है विद हाईली स्पीड। ये सब कुछ हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू मिल रहा है। आज हमारा नेटवर्क स्पीड जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो सब कुछ हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हो रहा है। इसीलिए किसी भी नेटवर्किंग एरिया में ऑप्टिकल फाइबर को उसकी बैकबोन कहा जाता है। इसका लॉस ये है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसे इंस्टॉल करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं।